नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। एनवायरमेंट में यार हर चीज आती है, आपका कमरा, उस कमरे में आप एक टेबल पे बैठ के पढ़ोगे, बेड पे बैठ के पढ़ना यार आसान चीज है। इफ यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुर्सी के ऊपर हम बैठेंगे क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे नहीं बैठ पाते, हम बैठेंगे ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाएंगे और ऐसे ही हम लीड बना रहे होंगे। आप अपना 100 दोगे, आपके पेरेंट्स आपका 100 देंगे, तब चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। कभी कभी यार हो सकता है आपके घर के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस हो, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, छोटे भाई बहन लड़ रहे हैं, तभी भगवान ने दो कान दिए, एक कान से हम सुन रहे होंगे, दूसरे कान से हम सारी बकवास निकाल रहे होंगे। चीज क्लियर है? छोटे मोटे हर्डल्स हैं ये, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा फाइनल गोल सामने है, 2 महीने कस के भागना है हमें। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है यार वो ये, स्ट्रक्चर योर टाइम। ये 2 महीने में आप कितने दिन फिजिक्स पढ़ने वाले हो, कितने दिन केमिस्ट्री, कितने दिन मैथ्स, कौन कौन से वो दिन होंगे आपको पता होने चाहिए। 60 दिन, 5 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए 12 दिन आपके पास। सुनने में कम लग रहा है ये कम? बोर्ड में 95-96 लाते हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इस चीज को कैसे ओवरकम करते हो, तो वो आंसर देते हैं कि ये चीज मेरे साथ हुई नहीं। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ ये चीज नहीं होती, कुछ लोग को ये चीज पता ही नहीं चलती, कई लोग ऐसे होते ही नहीं जो चीजों को टाले, वो इस नेचर पे कभी जाते ही नहीं, इन्हीं दोनों नेचर पे टैकल करते रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बड़ी है, ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सिर्फ लेजीनेस, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि इसका सलूशन नहीं है। तो सलूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले मैं इसका बहुत ही आसान सलूशन बताता हूँ, बहुत ही इजी सा। तो बहुत इजी सलूशन ये है कि आप स्टार्ट करिएगा, टू मेक एन स्टार्ट, टू मेक अ स्टार्ट। ये चीज को स्टार्ट करना बहुत टफ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि आप ऐसे लिख के दिखाओ 400 वर्ड का, 400 वर्ड का ऐसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ऐसे की स्टार्टिंग की चाल लाइन। एग्जाम में हम जाते हैं 4 लाइन अगर लिख जाते हैं तो उसके बाद तो ऐसे पूरा छाप देते हैं, बट स्टार्टिंग की 4 लाइन लिखना बहुत टफ होता है। जिन साहब मैं फिजिक्स टीचर, तो मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स रखा है आयरन का या वुड का, और मुझे उसे पुश करते हुए एक दूसरी वॉल तक ले जाना है। तो ले जाना टफ नहीं है, उसको वहां से हिलाना टफ है। मतलब इनिशियल, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फिजिक्स में, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद वो चलने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मतलब मूव कराना आसान है, उसको स्टार्टिंग में मोशन मिलाना बहुत टफ है। तो स्टार्ट करना बहुत टफ होता है। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने एक अपना रूल पहले भी वीडियो में बताया, जिसको मैं बोलता हूँ 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स रूल, 10 मिनट्स रूल, 10 मिनट्स रूल क्या कहता है कि आप जैसे पढ़ने बैठे हो तो आप ये बोलो कि मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा। अपने माइंड को चीट करो, बोलो कि सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा, इसको बाद में नहीं करना, 10 मिनट पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन। चीट करना पड़ेगा कि मैं यार बस थोड़ी सी पढ़ाई करूंगा और काम बच जाएगा। अब बात आती है कि ये 10 मिनट रूल आपने बता दिया, हम लगाएं कैसे? तो इसको लगाने के लिए एक और रूल है मेरे पास, वो बहुत ही सिंपल है। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। मतलब आप उठिए, जहां भी हैं, जिस काम से भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप किसी से बातें कर रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वहां से गेट अप, सिट। जहां पे काम होना है, जहां पे आपका कर्म होना है, जहां पे आपको पढ़ाई करनी है वहां पे बैठे, या जहां पे आपको जो भी काम करना है वहां पे बैठे, वापस सिट। मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल मतलब दिमाग में कुछ नहीं सोचना, मेक इट सिंपल, काम स्टार्ट। इसको मैं बोलूंगा GSS, गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल, गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल, GSS रूल। और इससे हमको मिलेगा 10 मिनट्स। GSS को लगाएंगे तो मिलेगा 10 मिनट्स। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। जब भी आप काम करने का मन नहीं करता, दिमाग से बोलना है गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल, गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। और कितनी देर के लिए? सिर्फ 10 मिनट्स। अभी भी कई लोग कन्विंस नहीं हुए हैं, डेफिनेटली मैं भी नहीं होता, क्योंकि अभी हमारे अंदर है यार माइंड नहीं मानेगा, ये सब तो ट्रिक्स है ना, इससे अपने दिमाग को हम चलाओ दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या? अब एक्चुअल प्रॉब्लम है फिजिक्स में, वी आर गोइंग डीपर एंड डीपर। आपने सिर्फ आंसर सोचा था कि हम आलसी हैं, पर हम आलसी नहीं है, हम डीप जा रहे हैं। अब क्या है ना, फिजिक्स में कहती है कि हर चीज का ड्यूअल नेचर होता है। आप फिजिक्स पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको पता होगा लाइट का ड्यूअल नेचर है, हर ऑब्जेक्ट का ड्यूअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन फिजिक्स का सबसे छोटा पार्टिकल, उसका भी ड्यूअल नेचर। कभी बोलते हैं वो पार्टिकल है, कभी बोलते हैं वो एक वेव है, कभी बोलते हैं वो एक पार्टिकल, कभी बोलते हैं वो एक वेव। यही चीज हमारे माइंड के साथ है, हमारी जो थॉट्स है वो ड्यूअल नेचर की है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पर वो रिजल्ट नहीं है, वो थॉट है।